आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जनसभा कर रहे तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील नागरिकों से कर रहे। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड क्रमांक 15 में संकल्प पत्र को लेकर प्रचार प्रसार करते नजर आए। कांग्रेस के नेता ने बताया कि कांग्रेस जो भी वादे जनता से करती है वह पूरे निभाती है। 25 से अधिक योजना लेकर संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस के नेता जनता के बीच पहुंचकर वोट कांग्रेस के पक्ष में डालने की अपील कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 से हम माननीय महेश परमार जी के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है। निश्चित रूप से महेश परमार जी इस लोकसभा का इतिहास बदलेंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। उज्जैन शहर की रही समस्या की बात तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी आचार संहिता है उसके लिए आंदोलन करेगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेगी कांग्रेस पार्टी। वो तो 400 सीट की भी बात कर रहे हैं जबकि 400 सीट पर लड़ ही नहीं रहे हैं। 370 पर बूथ पे वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कई बूथ हिंदुस्तान में ऐसे जिन पे 370 मतदान ही नहीं है तो झूठ बोलना उनकी परंपरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी श्री महेश परमार जी उनके समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरे दिवस वार्ड क्रमांक 15 में नागरिकों से समर्थन हासिल कर रही है। नागरिकों में काफ़ी उत्साह है इस बात के लिए कि जो राहुल गांधी जी ने जो विभिन्न प्रकार की जो गारंटी दी है उससे निश्चित रूप से आम जनमानस में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास है। और चूंकि विश्वास इस बात का है कि पहले भी राहुल गांधी जी जितने वादे मध्य प्रदेश में किए थे वो सारे वादे कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोहराए गए थे, उनका पालन किया गया था। और आज सबसे बड़ी हमारी गारंटी है महिलाओं के लिए कि मध्य प्रदेश का पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक महिला को 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष देगी, अर्थात 8,500 रुपये महीना। युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। 30,00,000 युवाओं को जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार गठित होगी तो उसी जून माह के महीने में 30,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत सारी हमारी योजना है, 5 गारंटी है, 25 हमारे और भी घोषणा है। तो निश्चित रूप से उन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष श्री मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमारे तमाम माया त्रिवेदी तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर लोग जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं हमारे पार्षद साथी सब लोग घर घर जाकर के हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारा वचन पत्र है, जो हमारा न्याय पत्र है तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को दे रहे हैं और उससे आम जनमानस काफ़ी प्रसन्न है। और हमारा प्रयास है कि हम सब महेश परमार जी को अधिक से अधिक मतों से हम विजयश्री दिलाएंगे, ऐसा हमारा प्रण है। जय कांग्रेस। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले में पंचकोशी यात्रा का आयोजन 3 मई से 7 मई तक किया जाएगा। यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से जारी है। मंगलवार सुबह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा यात्रा के विभिन्न पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकल जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने यात्रा की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर प्रत्येक पड़ाव स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्नान, पर्याप्त छाव, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उज्जैन में पुराने विवाद और लेन देन के चलते एक बदमाश ने गोली चला दी। वैसे गोली हवा में फायर की गई थी लेकिन आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में गैरेज संचालक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। हमारे फरियादी नाशिद बेता मकबूल खान मुसलमान है, ये नागजरी का रहने वाला है। इसके ऑटो पार्ट्स की यहाँ पे हमारे थाना क्षेत्र में महावीर कॉम्प्लेक्स में दुकान है गैरेज की। यहाँ पे करीबन 2:30 बजे के आसपास आरोपी विशाल रूप टोनू पिता रणजीत सिंह जाट ये आया और फरियादी जो नासिर इसका एक भाई है असलम करके उससे इसका पैसे का लेन देन था। इस बात को लेकर इसको चमकाया और उसके पास जो पिस्टल थी उस पर फायर किया जिससे उसकी फायर बाजू से निकल गया और मरते मरते बचा, जिस पर थाना
नानाखेड़ा पे अपराध क्रमांक 161/24 धारा 307 का कायम किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों में संज्ञान में मामला दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश दिया गया, एक टीम गठित किया और जल्द से जल्द पकड़ने के लिए निर्देशित किया। इस पर पुलिस थाना नानाखेड़ा ने मुखबिर मामूर किए और उस मुखबिर मामूर के की सूचनाओं पर नानाखेड़ा स्थित ट्रेजर आइलैंड के पीछे आरोपी को हमने पकड़ा था, जिसके पास से एक पिस्टल और एक कारतूस जिंदा कारतूस मिला था और भी दो हमको इससे कट्टे जब्त हुए हैं। मामला भी अनुसंधान में है, इसका पीआर प्राप्त किया जाएगा और भी जानकारी इस संदर्भ में ली जाएगी। कहां से लेकर आते थे? इस संबंध में पीआर प्राप्त कर पूछताछ की जाएगी कि आरोपी हथियार कहां से लाया था। कितने का लेन देन था सर दोनों के बीच? ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनका, क्योंकि अमजद नहीं है, स्पष्ट पैसे का क्या लेन देन था ये क्लियर नहीं है। इसके थाना नानाखेड़ा में हमने अपराध चेक करवाए हैं। इन अपराधों के पहले इसके दो अपराध थे, इन दो अपराध अभी जो कायम हुए उसके अलावा इस पे टोटल 4 अपराध कायम हो चुके हैं। शादीशुदा युवक द्वारा महिला से झूठ बोलकर शादी करने का मामला सामने आया है। महिला को 3 लड़की होने पर कलयुगी पिता ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। महिला ने बताया कि जब से उसकी शादी हुई है तब से उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और दहेज लाकर देने के लिए बोलता है। महिला ने बताया कि उसके पिता जिंदा थे तब तक तो उन्होंने जो भी ससुराल पक्ष से डिमांड होती थी वहां पूरी करते थे। महिला ने बताया कि उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। उसकी शादी 1 साल बाद पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक लड़की भी है। महिला को 3 और लड़कियां होने के बाद उसके पति द्वारा महिला से मारपीट की गई। फिलहाल महिला घायल है जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। लड़के ले गए थे भैया, उसके साल भर बाद मेरे को पता चला एक बड़ी में लड़की, वो लड़की होने के बाद पता चला मेरे को किसकी शादीशुदा पहले से ही है। ये भी धोखा करा मेरे साथ में, मेरे को रोज मारते हैं। अब 3 लड़कियां हो गई, अब बोलते कि नहीं रखूंगा मैं तेरे को, ये लेके आ वो लेके आ, फिर भी मैं ले जाती थी यहाँ से। अब मेरे पापा शांत हो गए, अब कहाँ से लाएं भैया। अभी मेरे को बहुत मारा उसने, ये रकम बाप मंगवाते और मेरे पापा घर की सब रकम थी वो सब निकाल ली, कुछ भी नहीं रखा, मंगलसूत्र भी तोड़ दिया मेरे। मेरा पति मारता है मेरे। प्रकाश सारंगी। क्या नाम है आपका? पायल। कहाँ पर बोले भाई? हूँ नाम जवासिया। खाना कौन सा है? जब से शादी करके लेके जब से ही मारते हैं सर। इसकी शादी करी थी हमने 6-7 साल पहले शादी करी थी इसकी, तो एक बालिका हुई, उसके बाद पता चला कि ये लड़का पहले शादीशुदा है और दहेज की मांग करता था सर ये, और पहले भी जब पापा जिंदा थे जब तक तो इन्हें हमसे बोला भी नहीं और ले जा के उसके दहेज की मांग पूरी करते रहे। अब अभी भी उसको मारता है, मारता कूटता है। नवा थाने में ले, उसके पड़ोस में ही है पुलिस चौकी सारंगी, वहाँ भी जा 2-3 बार गई बालिका, तो इसकी सुनवाई नहीं करते। उसका वर्चस्व अच्छा है वहाँ पे, वो सब मिले जुले वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता इसकी। महितपुर थाना क्षेत्र में शासकीय टोल काटे पर अपना गेहूं बेचने गए किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली और गेहूं चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि लाइन इतनी लंबी थी कि किसान अपना ट्रैक्टर वहीं पार्किंग में खड़ा करके घर चला गया। जब वहां लौटा तो ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गायब थी। मामले में फरियादी ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें रखा गेहूं बरामद हो गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले का खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश कर जल्द से जल्द गेहूं फरियादी को मिल जाए प्रयास किया जा रहा है। हमारे 2 किसान भाई हैं, इनका ट्रैक्टर ट्रॉली जब ये अपना शासकीय दुकान पर गेहूं बेचने आए थे और उसी दौरान लंबी लाइन की वजह से ये वहां से चले गए, तो उन दोनों का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली और करीबन 80 क्विंटल गेहूँ चोरी हो गया था। कि मामला किसानों भाइयों से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी और उनकी टीम ने संवेदनशीलता से एक्ट करते हुए दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किया गया और पूरा गेहूं बरामद किया गया। इसमें अभी हमारा प्रयास है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से तत्काल जो गेहूं है वो हमारे किसान भाई को सुपुर्दगी में मिल जाए, जिससे उसका नुकसान ना हो और वो जो शासकीय तौल काटा है उस पर उसको बेच सके।
चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर नगर पूजा का आयोजन किया गया। धार्मिक मान्यता अनुसार श्री पंचायती अखाड़ा निर्जनी की ओर से 24 खंभा माता मंदिर पर मदिरा का भोग लगाकर अखाड़ा के महामंडलेश्वर संत महंत सहित अन्य अखाड़ों के साधु संत और भक्तों ने पूजन किया। शारदीय नवरात्र में प्रतिवर्ष कलेक्टर माता का मदिरा का भोग लगाते हैं। कोरोना काल महामारी के दौरान शुरू चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मदिरा चढ़ाकर प्रकोप से मुक्ति के लिए माता मंदिर में प्रार्थना की थी। तभी से चैत्र की नवरात्र में यह परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह 24 खंभा माता मंदिर के महामाया मंदिर से नगर पूजा प्रारंभ हुई। मंदिर में संतों ने पूजन कर माता को मदिरा अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये उज्जैन में स्थित 24 खंभा माता मंदिर है। यहाँ पे दोनों माता जियों को मदिरा का भोग लगाया जाता है। ये राजा विक्रमादित्य के जमाने से परंपरा चली आ रही है, क्योंकि उज्जैन उनकी राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन में कभी भी सूखा ना पड़े, अकाल मतलब ना पड़े, इसीलिए राजा विक्रमादित्य साल में 2 बार अष्टमी के दिन माता जी को मदिरा का भोग लगाया करते थे। वो परंपरा तब से अब तक यहाँ पे चली आ रही है। छोटी नवरात्रि के दिन उज्जैन के कलेक्टर महोदय और बड़ी नवरात्रि को नीलगिरी अखाड़े के अध्यक्ष जी यहाँ पे आके माता जी को मदिरा का भोग लगाते हैं उज्जैन की सुख शांति हेतु। आज नीलगिरी अखाड़े के अध्यक्ष महोदय आए थे, उनके द्वारा माता जी को मदिरा का भोग लगाया गया है। ये पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है। 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगती हुई जाती है। रास्ते में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर आते हैं उस सब पे माता का प्रसाद चढ़ता है। उज्जैन में सर्वप्रथम पूजा यहाँ पे होती है। इस पूजा का अंत अनपात मार्ग स्थित हांडी फोर्ड भैरव नाम का मंदिर है, वहाँ पे ये पूजा समाप्त हो जाती है।